नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम लखवाल फिर हाजिर हूँ इस मन कार्यक्रम लेकर। कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदिया हमें भुलाने में। सोखियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव जैसे, कालजयी गीतों को हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। इन गीतों के रचयिता नीरज के नाम से कौन परिचित नहीं है। नीरज हिंदी साहित्याकाश के ऐसे धूमकेतु थे जिसकी आभा ने न केवल साहित्य को विश्व पटल पर आलोकित किया बल्कि हिंदी सिनेमा में ऐसा मकाम हासिल किया जहां आज तक कोई भी गीतकार नहीं पहुंच पाया। काव्य मंचों पर केवल नीरज जी को सुनने के लिए गीत और काव्य रसिक भोर तक जमे रहते थे। गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, जिसे अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, के इटावा जिले के पुरावली गांव में बाबू ब्रिज किशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता गुजर गए। 1942 में एटा से हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया। इसके सिनेमाघर की एक दुकान पर नौकरी की। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट बन गए। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में भी क्लर्क की नौकरी की। एक प्राइवेट कंपनी में 5 वर्ष तक टाइपिंग का काम किया। नीरज जी ने प्राइवेट परीक्षाएं देकर 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य से एमए किया। मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन पर कक्षाएं न लेने के अलावा अन्य आरोप लगाए। इससे नाराज नीरज ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हो गए और मेरिज रोड जनकपुरी अलीगढ़ में रहने लगे। कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते नीरज को बॉम्बे फिल्म जगत ने गीतकार के रूप में नई उम्र की नई फसल के फिल्म के गीत लिखने का निमंत्रण दिया। इसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहली ही फिल्म में उनके लिखे कुछ गीत कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे और देखती ही रहो आज दर्पण न तुम प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुंबई में रहकर गीत लिखने लगे। फिल्मों में गीत लेखन का सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी चर्चित फिल्मों में कई सालों तक जारी रहा, लेकिन बम्बई की जिंदगी से भी उनका मन ऊब गया और वे फिल्म नगरी को अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आए। पद्मभूषण से सम्मानित कवि गीतकार गोपाल दास नीरज की 19 जुलाई 2018 को मृत्यु हो गई। उनका यह शेर आज भी मुशायरों में फरमाइश के साथ सुना जाता है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। नीरज जी की कालजयी रचनाओं में संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राणो गीत, दर्द दिया है, बादल बरस गयो, मुक्त की वो गीत, नीरज की पाती, कारवां गुजर गया, नीरज की गीतियाँ प्रमुख हैं। नीरज जी को सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 70 के दशक में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें वे सफल भी रहे। 1970 में काल का पहिया घूमे रे भैया, चंदा और बिजली फिल्म के लिए। 1971 में बस यही अपराध में हर वार करता हूँ फिल्म पहचान के लिए। 1972 में ए भाई जरा देख के चलो फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सितंबर 2018 में नीरज जी को भाषा संस्थान का अध्यक्ष नामित कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था।